हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो GTU बैचलर IT इंजीनियरिंग सेमिस्टर 6 के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग DW and DM सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच करना। अब यहाँ पे ओवरऑल 7 चैप्टर है, तो सभी में से ऑन एन एवरेज अराउंड 12 से लेके 15 मार्क्स तक का वेटेज होने ही वाला है सभी चैप्टर का। तो मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए चैप्टर प्रिपेयर करें वो 100% प्रिपेयर करें, आधे अधूरे चैप्टर प्रिपेयर करके मत जाए। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन एंड डेफिनेशंस, तो इन सब को मिला के हर साल जो वेटेज होता है वो अराउंड 15 to 18 मार्क्स तक का हो जाता है। और ये डेफिनेशंस एंड कंपैरिजंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और कंपैरिजंस के आंसर के लिए आपको वेट करना होगा। फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है उसमें से हर साल ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स के अराउंड निकल कर आता है। सेकंड का वेटेज ऑन एन एवरेज 14 के अराउंड है। थर्ड चैप्टर का जो वेटेज है वो ऑन एन एवरेज 17 मार्क्स तक का निकल कर आता है। अब फोर्थ में ऑन एन एवरेज जो वेटेज होता है वो अराउंड 10-12 तक का होता है। फिफ्थ का वेटेज हाई हो जाता है, अराउंड 20 मार्क्स तक का निकल कर आता है। सिक्स्थ का ऑन एन एवरेज वेटेज होता है अराउंड 10 मार्क्स तक का। और आखिर का जो चैप्टर है उसका वेटेज अराउंड 7 मार्क्स तक का होता है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, तो वो भी इजीली सब्जेक्ट में पास हो सके। आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया, एडवाइस दी, वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।